प्रतिभा की उम्मीदवारी से मुख्यमंत्री, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं कर रहे बात। मंडी। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रतिभा सिंह के प्रत्याशी बनने से डरे हुए हैं। उनके उम्मीदवार बनने से मुख्यमंत्री को अब उपचुनाव में हार दिखाई दे रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाजपा के झूठे चुनावी वादे जो कि 4 साल पहले किए गए थे, उनको लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब हार का डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय पार्टी का है। संजय दत्त ने कहा कि बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भाजपा और मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि भाजपा ने 4 लेन प्रभावितों को 2 फैक्टर मुआवजा देने का वायदा करके क्यों नहीं दिया। इस बारे में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। महंगाई पर मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं। उस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। मंडी के हवाई अड्डे का क्या हुआ। सबको पता है 4 साल में हवाई अड्डा हवा हवाई हो गया है। 3 एयरफील्ड बनाने की बात थी, उसका जवाब मुख्यमंत्री दें। मंडी की सड़कें गड्ढों में हैं या सड़कें ही नहीं हैं, उस पर मुख्यमंत्री क्यों जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री का कसूर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर कभी सड़कों पर सफर ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा भाजपा परिवारवाद की बात कर रही है, जबकि लोकसभा में भाजपा के 38 सांसद परिवारवाद की उपज हैं। ऐसे में कांग्रेस पर किस मुंह से भाजपा आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, इस समय जम्मू कश्मीर की क्या हालत है सबको पता है। धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म होने का दावा किया गया था, लेकिन आज भी लोग जम्मू कश्मीर में लोग मर रहे हैं और जवान शहीद हो रहे हैं। हिमाचल से लोकसभा में 4 सांसद भाजपा के थे, इनकी क्या उपलब्धियां हैं भाजपा को बताना चाहिए। जो पार्टी अपने ही सांसद को न्याय नहीं दे पा रही है, वो लोगों को क्या न्याय देगी। उन्होंने कहा कांग्रेस सैनिकों का पूरा मान सम्मान करती है, पंडित नेहरू जी के समय से सैनिकों का मान सम्मान दिया जा रहा है। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन भी भाजपा ने दी है। भाजपा के समय इसे रिव्यू किया जाना था, लेकिन मोदी सरकार उसका भी पूरा लाभ पूर्व सैनिकों नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के सभी सैनिकों, शहीदों को पूरा मान सम्मान देती है, जबकि भाजपा सैनिकों के नाम पर भी राजनीति कर रही है। इसलिए बेहतर होगा कि भाजपा के लोग मुद्दों की राजनीति करें, जनता से जुड़ी बातों का जवाब दें, उपाय दें। भाजपा ने 4 वर्ष पूर्व जो वायदे लोगों से किए थे, वह पूरे क्यों ना हो पाए, मुख्यमंत्री इसका हिसाब दे। आपको तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये अब तरीका ही बन गया है कि किसी भी चुनाव में जो मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ना करते हुए वो इश्यूज को डिफ्लेक्ट करें, ताकि जनता को गुमराह करके। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।